हेलो फ्रेंड्स स्वागत है एक बार फिर से वर्षा रोहित क्लासेस में आज मैं आपके सामने टॉप ट्वेंटी प्रश्न के बारे में बताने वाला हूं तो फ्रेंड्स वीडियो जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है तो उसको आप शुरुआत से अंत तक देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि हमारी ये वीडियो कैसी बनी है और किस तरह की के क्वालिटी के क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन वो वही हैं जो पेपर में आए हैं तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं सेशन तो पहला क्वेश्चन है जो आपके सामने है इसमें आपको बताना है विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज़ यूज फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर फाइव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर सिक्स या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर थर्टीन तो फ्रेंड्स इसमें आपको बताना है कि जो डेप्रिशिएशन अकाउंटिंग में स्टैंडर्ड कौन सा लगता है तो इसको आप बताइए तो फ्रेंड्स इसका जो राइट right आंसर होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर सिक्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर सिक्स जो कि डेप्रीशन अकाउंट से संबंधित है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर टू यह इन्वेंशरी वैल्यूएशन के लिए होगा इन्वेंशरी वैल्यूएशन के लिए होगा इन्वेंशरी वैल्यूएशन के लिए होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर टू ठीक है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर फाइव यह क्लासिफिकेशन और डिसक्लो डिस्क्लोजर स्पेसिफिक आइटम के लिए होगा ठीक है क्लियर है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर थर्टीन यह इन्वेस्टमेंट के लिए होगा याद रखिएगा ठीक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर थर्टीन यह इन्वेस्टमेंट के लिए होगा याद रखिएगा हो तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने है इसमें आपको बताना है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज इसमें ऑब्जेक्टिव बताना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पहला टू प्रिपेयर अकाउंटिंग रिपोर्ट विच इज एसेंशियली अंडरस्टूड बाय द कॉमन मैन दूसरा टू कंपाइली द लीगल फॉर्मेलिटीज तीसरा हार्मोनाइज द डाइवर्सिफाई अकाउंटिंग प्रैक्टिस चौथा टू कम्प्लीमाई द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो इसमें आपको बताना है सही आंसर क्या होगा तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूं इनके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं क्या उनके उद्देश्य होते हैं देखिए सबसे पहले जो है टू हार्मोनाइज टू हार्मोनाइज द डाइवर्सिफाई अकाउंटिंग प्रैक्टिस टू प्रोवाइड स्टैंडर्ड डाइवर्सिफाई अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल्स टू प्रोवाइड स्टैंडर्ड विच आर ट्रांसपेरेंट फॉर द यूजर देखिए हमें स्टैंडर्ड वो बताने हैं जो कि यूजर्स के लिए कैसे हो ट्रांसपेरेंट हो एक वो ऐसे स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसमें पॉलिसीज हो जिसमें प्रिंसिपल्स हो तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यह आपका बिल्कुल सही आंसर होगा ठीक है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अगले क्वेश्चन को चलते हैं अगला क्वेश्चन फटाफट देखते हैं इसमें आपको बताना है द प्रिफिक्स ऑफ सी एस ऑफ मेंबर्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हैज बीन गारंटेड बाय आई सी एस आई ठीक तो आई सी एस आई यह कब इसको लागू किया गया है वह आपको बताना है ठीक है तो इसका जो ऑप्शन देखिए जून तेईस चौबीस दो हज़ार सात फरवरी सत्रह से उन्नीस दो हज़ार आठ में दिसंबर चौबीस से लेकर सत्ताईस दो हज़ार छः अक्टूबर पंद्रह से अठारह दो हज़ार पाँच जनवरी चार से पाँच दो हज़ार चार तो इसमें आपको बताना है जो प्रीफिक्स ए सी एस ऑफ मेंबर इंस्टीट्यूट हैज़ बीन गारंटेड बाय आई सी एस आई ठीक है तो इसका जो राइट आंसर क्या होना चाहिए इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, आंसर होना चाहिए यह जून तेईस चौबीस दो हजार सात यह आपका बिल्कुल सही आंसर होगा चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑनर एंड मैनेजमेंट इसमें कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जो कि ये डिफ्रेंशिएट करता है ऑनर और मैनेजमेंट को तो ऑप्शन देखिए बिजनेस एंटिटी गोइंग कंसर्न डुल एस्पेक्ट या नॉन ऑफ दिस तो इसका जो राइट right आंसर है जो इसको डिफ्रेंशिएट करता है वह है बिजनेस एंटिटी यह आपका बिल्कुल राइट right आंसर होगा क्लियर है ओके चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने है फटाफट सेशन को लाइक करिएगा ठीक है नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया आर इशूड बाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है भारत में इशू करता है कौन इशू करता है वह आपको बताना है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट अकाउंट ऑफ इंडिया या फिर आर तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो भारत में इशू कौन करता है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट अकाउंट ऑफ इंडिया यह आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा ठीक है समझ में आना चाहिए चलिए आगे बढ़ते हैं और हाँ एक चीज बता दें ये आई सी आई सी ए आई आई सी ए आई इन्होंने कुल मिलाकर बत्तीस क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कुल मिलाकर कितने स्टैंडर्ड बने हैं तो बत्तीस स्टैंडर्ड बने हैं ठीक है थीके? ओके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने हैं याद रखिएगा ओके चले अगले क्वेश्चन को चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट अमंग्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट फाइंड द ऑट ऑड आउट ऑफ द रिकार्ड बुक कीपिंग इसमें आपको ऑड बताना है जो बुक कीपिंग से संबंधित नहीं है ठीक आइए ऑप्शन देखते हैं बुक कीपिंग है लिमिटेड स्कोप कंसर्न विद रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग ठीक है बुक कीपिंग इज एसेंशली क्लियर करो वर्क ठीक है बुक कीपिंग डिपेंड ऑन अकाउंटिंग फॉर मेकिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड मोर यूजफुल ओके डी ऑप्शन देखिए बुक कीपिंग ऑनली कंसिडर द मॉनिकल ट्रांजेक्शन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन याद रखिएगा बुक कीपिंग जो है मॉनिटरी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है एक पॉइंट और देखते हैं बुक कीपिंग हैपन्स आफ्टर अकाउंटिंग प्रोसेस इसमें आपको बताना है सही आंसर क्या होगा मतलब वह आंसर आपको बताना है जो कि बुक कीपिंग से संबंधित नहीं है और बताना है आपको तो इसका मैं आंसर बताता हूँ इसका जो राइट right आंसर होगा यह बुक कीपिंग हैपन्स आफ्टर अकाउंटिंग प्रोसेस नहीं ऐसा कुछ नहीं है यह आपका ऑड है बुक कीपिंग से संबंधित नहीं है ठीक है तो बुक कीपिंग हैज़ लिमिटेड स्कोप बिल्कुल सही बात है इसमें हम रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग समराइजिंग करते हैं बिल्कुल सही बात है ये क्लर्क वर्क के लिए असेंशियल होता है इसमें अकाउंटिंग जो है हम रिकॉर्ड्स बनाते हैं जो कि बहुत यूजफुल होते हैं और ये मोनिटरी ट्रांजेक्शन करता है पर यह चीज नहीं करेगा ठीक है तो बुक कीपिंग जो है ऑनली कंसिडर्ड द मोनिटरी ट्रांजेक्शन क्लियर है तो बुक कीपिंग इज द फाउंडेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस एक क्वेश्चन बन सकता है कि बुक कीपिंग क्या है एक अकाउंटिंग फाउंडेशन है ठीक है फॉर अकाउंटिंग प्रोसेस अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे अगला क्वेश्चन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 ये किससे संबंधित है बताना है आपको लीज है डिसकंटिन्यू ऑपरेशन है इंटेज एसेड है या ई तो ई क्या होता है अर्निंग पर शेयर ठीक है तो इसमें बताइए इसमें क्या होगा इसका राइट आंसर तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर नाइनटीन यह किससे संबंधित है यह संबंधित है ली से संबंधित है ठीक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर जो चौबीस है यह डिसकंटिन्यू ऑपरेशन संबंधित अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर चौबीस ठीक इंटेंजिबल एसेट किससे संबंधित है इंटेंजिबल एसेट संबंधित है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर छब्बीस ठीक ईपीएस किससे संबंधित है ईपीएस पी ट्वेंटी से संबंधित है ड ट्वेंटी ठीक तो इसका जो राइट आंसर होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर नाइनटीन वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इसमें कौन सा सही नहीं है जो सही नहीं है वही आपको बताना है ठीक है तो जॉब ऑफ बुक कीपिंग इज एनाटाइटर इन नेचर बुक कीपिंग इज आर्ट एज वेल एज साइंस और रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन ठीक है ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन सर्टन बुक ऑफ ठीक है बुक कीपिंग इज अ मैथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंट बुक ठीक इसमें जो नहीं है वो आपको बताना है तो आपको बता दूं ये आपका ऑप्शन नंबर ए ये आपका बिल्कुल ऑड है ये बुक कीपिंग से संबंधित संबंधित क्या होगा नहीं है ठीक है देखिए बुक कीपिंग का काम क्या होता है मेनली क्लर्कल नेचर होता है ठीक है एनालिटिकल नहीं होता है क्लर्कल नेचर होता है एनालिटिक नहीं होता है बुक कीपिंग एक आर्ट है एक साइंस है ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं शॉर्ट एंड बुक में बुक कीपिंग इज अ मैथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग बुक चूँकि ये सब कुछ सही है पर ये नहीं है ठीक है ये आपका क्लर्कल नेचर में होता है ठीक है अगले क्वेश्चन को चलते हैं फटाफट अगला क्वेश्चन है ईयर ईयर स्टार्टेड स्टार्टेड फ्रॉम कब है है वो बताना है, एक दिसंबर एक अप्रैल एक जून एक मार्च थे ना तो याद रखिएगा जो भी हमारा अकाउंटिंग जो पीरियड होता है वो स्टार्ट कब होता है हमेशा याद रखिएगा हमेशा याद रखिएगा यह क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है ठीक है मैं यहाँ पर टाइम पास नहीं कराने आया हूं यहाँ पे क्वेश्चन वही है जो आपके पेपर में आए हुए हैं ठीक है थीके? इसका आंसर होगा एक अप्रैल एक अप्रैल से इकतीस मार्च तक ये अकाउंटिंग ईयर होता है असेसमेंट ईयर होता है याद रखिएगा अप्रैल से स्टार्ट होती है और इकतीस मार्च को ये लास्ट होता है खत्म होती है ठीक चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं फटाफट अगला क्वेश्चन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर सिक्स ये किससे संबंधित है अकाउंट अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था है ना तो अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल वेल अकाउंटिंग डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज बताइए तो इसका जो राइट आंसर कौन सा होगा ये होगा डेप्रीशिएशन अकाउंटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ये डेप्रीशिएशन अकाउंटिंग से संबंधित है ये इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर सिक्स क्लियर है चलिए ये डिस्क्लोजर अकाउंटिंग पॉलिसी नंबर एक का है ठीक है, इतना आपको मालूम होना चाहिए चलिए आगे बढ़ते हैं और पूछ सकते हैं कि भाई डेप्रिशिएशन क्या होता है डेप्रिशिएशन इज अ मेजर ऑफ आउट कंजेप्शन ऑफ लॉस वैल्यूज ऑफ डेप्रिशिएशन एसेट्स एसेट्स में डेप्रिशन होती है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को प्रपेशन ऑफ कौंसलेट स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज पर 21 21 में क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 में वह आपको बताना है ऑप्शनल है मैंडेटरी फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज मैंडेटरी फॉर लिस्टेड कंपनीज मैंडेटरी फॉर ऑल कंपनीज प्रिपरेशन ऑफ कौंसिल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इक्कीस क्या चीज है जी हाँ यह आपके लिए मैंडेटरी फॉर लिस्टेड कंपनी इसके लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है इफ एनी कंपनी इज लिस्टेड कंपनी देन कंपनी हैज़ टू सबमिट कंपनी हैज़ टू सबमिट कॉन्सोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉन्सोर्स कॉन्सोलिडेट असाइनमेंट ठीक है ये आपके स्टेटमेंट उसको देना ही पड़ेगा किसके अंतर्गत अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 21 के अंतर्गत में ये कंपलसरी है उसे देना ही पड़ेगा ठीक है क्या ये स्टेटमेंट सॉलिडेट स्टेटमेंट चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं देखिए क्वेश्चन है वही हैं जो पेपर में आए हुए हैं ठीक है तो सेशन को लाइक जरूर करें ठीक है थोड़ा सा मोटिवेट करें क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम वुड बी द स्पेसिफिक इंक्लूडेड द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो कंस्ट्रक्शन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर तीन ठीक तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर तीन से संबंधित कौन है कन्वर्सन ऑफ डेथ टू इक्विटी एक्रिंग एसेट्स ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट आ गया और परचेसिंग बिल्डिंग बाई गिविंग अ मोटेज टू सेलर तो देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर तीन जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट से संबंधित है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा कैश फ्लो में होता है क्या है ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग कैश फ्लो इन्फॉर्मेशन उसमें बताई जाती है तो इतना आप याद रखिएगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर तीन दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट ओके okay, बच्चा अगले क्वेश्चन को चलते हैं अगला क्वेश्चन है इंडियाज इन दिपेड द फॉलोइंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर तीन अभी जस्ट थोड़ी पहले बताया था है ना बैलेंस शीट ऑफ कंपनी फंड फ्लो स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट कंसोलिडेटेड फाइनेंस स्टेटमेंट फाइनेंस ये आपका अकाउंट स्टेड नंबर इक्कीस है ये है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर तीन तो हमें क्या बोल रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर तीन दो की क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्लियर है बच्चा चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश इन ईयर कब ये एस्टैब्लिश हुआ था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया 1970 1972, 1973, 1977 तो इसका जो राइट right आंसर होगा इसका जो राइट right आंसर होगा 1970, 1977 सौ यह बिल्कुल राइट आंसर होगा ठीक है ड बोर्ड क्लियर चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस एंड अदर ट्रांजेक्शन इन मोनिटे टर्म यह जो स्टेटमेंट है किसने कही है स्पाइसर पैगलर ने जी आर बार्टी बोली कार्टर जॉन मैकिल तो इसका जो राइट आंसर होगा स्पाइसर और पैगलर ने यह कथन कहा था कि बुक कीपिंग इज अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस एंड अदर ट्रांजेक्शन इन अ मॉनिटरी ट्रम यह बिल्कुल एकदम सही आंसर होगा स्पाइस एंड पैगलर अगले क्वेश्चन को चलते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने है डबल एंट्री इज दैट सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग वेयर अकाउंटिंग इज डन वेयर अकाउंटिंग इज डन थ्रू द पर्सनल एंड इन इमर्सनल अकाउंट दिस डेफिनेशन इज गिवन बाई ये किसने कहा था विलियम पिक्कल एम जे कि बुक कीपिंग अकाउंटिंग इज डन थ्रू द पर्सनल एंड इमर्सनल अकाउंट यह जो फैंस कहा था आर एंड कार्टर ने कहा था ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट सेशन को और आगे बढ़ाते हैं तो फटाफट हमारे सेशन को लाइक करें ठीक है चैनल पहली बार आए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगला है अकाउंटिंग स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग एंड डैश या डैश लगाना है मतलब क्या आना है इनमें से वो बताना है बिगिंस वेयर अकाउंटिंग एंड मतलब कि अकाउंटिंग स्टार्ट होती है तब बुक कीपिंग एंड होता है ठीक है अकाउंटिंग स्टार्ट होती है तब कब जब बुक कीपिंग एंड होती है और यहां बतानी है अकाउंटिंग एंड होती है तो क्या स्टार्ट होगा ऑडिटिंग है सर्टिफिकेशन है स्टॉक है या फिर परचेस तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑडिटिंग ऑडिटिंग इज अ राइट आंसर ठीक है ऑडिटिंग बिगिन वेयर अकाउंटिंग एंड ये बिल्कुल एकदम राइट आंसर होगा अगले क्वेश्चन को चलते हैं चार्टेड अकाउंटेंट आर चार्ट अकाउंटेंट क्या होते हैं वो बताना है आपको स्किल ऑडिटर होते हैं गवर्नमेंट ऑडिटर होते हैं प्रोफेशनल ऑडिटर इन चार्टेड अकाउंटेंट देखिए चार्टेड अकाउंटेंट जो होते हैं यह प्रोफेशनल ऑडिटर होते हैं याद रखिएगा, ठीक और जो जो गवर्नमेंट ऑडिटर होते हैं वो किसे कहते हैं हम उसे कहते हैं सी ए जी मतलब कि क्या कहते हैं सी ए जी क्या होता है ये कॉम्प्यूटर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ठीक है कॉम्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ये गवर्नमेंट के ऑडिटर होते हैं ठीक है और ऑडिटर होते क्या है मेनली टू एग्जामिन अकाउंट को एग्जामिन करते हैं ठीक है उनको चेक करते हैं ठीक जब हमारे अकाउंट्स बनकर तैयार जाती है तो इस चीज़ को वो चेक करते हैं अगला क्वेश्चन है जो आपके सामने है जो कि इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन लास्ट है ठीक है द आइटम विच इंक्रीज द ओनर कैपिटल एज ए रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन आर कॉल्ड एक्सपेंस इनकम ड्रॉइंग या फिर कैपिटल याद देखिए जब इंक्रीज कैपिटल होती है जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो उसे क्या बोलते हैं हम उसे इनकम बोलते हैं जब कैपिटल इंक्रीज होती है उसे हम क्या बोलते हैं इनकम बोलेंगे अब जब कैपिटल डिक्रीज होती है जब डिक्रीज होती है तो उसे हम क्या बोलेंगे उसे हम लॉस बोलेंगे क्लियर है तो हमारा सेशन आपको कैसा लगा है अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ठीक है और कमेंट करके बताएं कि भाई यह वीडियो आपको कैसी लगी है ठीक है और लाइक करिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में अगली वीडियो इसकी आएगी ठीक है इसकी हम मॉडल पेपर आपको बोर्व आपको देते रहेंगे ठीक है इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं नए सेशन साथ में तब तक नमस्कार दोस्तों